सब्सक्राइब करें सौम्याज किचन को और ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन को क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या, सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं मिल्कमेड, जो कि बहुत ही आसान है घर में बनाना। वैसे मिल्कमेड आसानी से मिल जाता है मार्केट में, लेकिन घर पे भी मिल्कमेड बनाना बहुत ही आसान है। मिल्कमेड को आप केक में और पुडिंग में, काफ़ी चीज़ों में यूज़ करते हैं। आप इस मिल्कमेड को बना करके फ्रिज में रख लें और 3 से 4 दिन तक इस मिल्कमेड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो इसको ज़्यादा दिन के लिए ना रखें। मिल्कमेड बनाने के लिए मैंने ये 1/2 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध लिया है, करीब 1 चुटकी खाने वाला सोडा चाहिए और 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम या 125 ग्राम। गैस पर एक फ्राई पैन या भगोना रखेंगे दूध उबालने के लिए। दूध को डाल देंगे, गैस को फुल फ्लेम पे कर देंगे और दूध को चलाते हुए पकाएंगे। दूध को इस तरीके से चलाते हुए उबालेंगे तो दूध नीचे तली में नहीं लगेगा। और दूसरा, जब भी दूध को उबालने रखें आप, जिस भी भगोने में या फ्राई पैन में आप दूध को उबाल रहे हैं, उसको पहले गीला कर लें तो दूध तली में नहीं लगेगा। जो मिल्कमेड बनाने का तरीका है, उसमें बस एक आपको चलाते हुए पकाना है, जिससे कि उसमें मलाई ना पड़े, रेशे ना आए। अगर आप छोटे भगोने में दूध को उबालते हैं तो उसमें उबालने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा फ्राई पैन लें, जल्दी दूध गाढ़ा होता है। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है। गैस को मैंने मीडियम स्लो पर कर दिया है क्योंकि दूध निकले नहीं। अब इसमें डाल देंगे 100 ग्राम चीनी, करीब 1/2 कप चीनी है, और गैस को फिर से फुल पे कर देंगे, कभी फुल पे कभी मीडियम पे। इस तरीके से करके हम दूध को पकाएंगे। चीनी डालने के बाद आप देख सकते हैं दूध में उबाल आने लगा है। अब 2 से 3 मिनट तक दूध को इसी तरीके से उबाल लेंगे, और अगर आपको लगे कि दूध निकल रहा है तो गैस को स्लो कर दें। साइड से जो दूध की मलाई जमती जाती है, साथ के साथ ही मिक्स करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से, इसके लिए साथ के साथ अगर दूध को इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे तो पपड़ी जमेगी नहीं और जो मिल्कमेड है बहुत ही क्रीमी बनेगा। इस तरीके से धीरे धीरे मिक्स करते हुए दूध को चलाएंगे, दूध भी उबलता रहेगा और बिल्कुल भी जो मलाई है वो भी नहीं पड़ेगी, लम्प्स भी नहीं आएंगे। जो मिल्कमेड है एकदम क्रीमी बनेगा। दूध में उबाल आने के बाद करीब 3 मिनट हो गए हैं दूध को इस तरीके से चलाते हुए। गैस को मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी भर सोडा खाने वाला, और सोडा डालते ही बहुत झाग आते हैं, इसलिए आप तुरंत ही इसको इस तरीके से चलाते रहें। गैस को एकदम स्लो कर दें कि दूध बाहर ना निकले। फिर गैस को तेज कर लें। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके कलर चेंज होता जा रहा है। मलाई नहीं पड़ी है, इसको इसी तरीके से चलाते हुए पकाना है, क्योंकि रखने के बाद भी काफ़ी गाढ़ा होता है, चीनी होती है, जैसे चाशनी गाढ़ी हो जाती है रखने के बाद, उसी तरीके से इसमें भी काफ़ी सारी चीनी है, तो ये रखने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा पतला ही उतारेंगे, नहीं तो ये एकदम ही थिक हो जाएगा, फिर आपको इसमें दूध मिलाना पड़ेगा।
इसका मैं केक भी बना करके दिखाऊंगी आपको अगली वीडियो में, तो आप देखेंगे कि केक भी कितना आसानी से आप घर पे और कितने कम पैसों में बना सकते हैं। इसकी जो ट्रिक है बस वही है कि आपको इसको चलाते हुए पकाना है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे दूध कम हो रहा है, आपको जब चलाते हुए इसकी जो तली है पैन की वो दिख रही है बार बार, तो आप देख सकते हैं दूध काफ़ी गाढ़ा हो रहा है। गैस को स्लो करके आपको दिखाती हूँ कि दूध कितना गाढ़ा हुआ है। अब गैस को मैंने एकदम स्लो कर दिया है, कितना ट्रांसपेरेंट टाइप से दूध हो गया है, क्रीमी दूध है एकदम, बिल्कुल भी इसमें लम्प्स नहीं है आप देख सकते हैं। बस इसको इसी तरीके से चलाते हुए पकाना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दूध किनारियों पर लगा नहीं है और दूध कितना गाढ़ा हो गया है आप देख सकते हैं। देखिए ये बूंद बूंद करके टपक रहा है, यानी कि दूध अब ये गाढ़ा हो चुका है। गैस को बंद कर देंगे और इसको इसी तरीके से चलाते हुए ठंडा करेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर गर्म गर्म दूध को इस तरीके से छोड़ देंगे तो इसके ऊपर पपड़ी जम जाएगी, जो हमें क्रीमी मिल्क में चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। मिल्कमेड की थिकनेस आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा पतला रखना है तो आप थोड़ा पतला भी रख सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप इससे भी ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं। अभी ये जो फ्राई पैन है काफ़ी गर्म है, इसलिए जो मिल्कमेड है वो एकदम ठंडा नहीं हो पा रहा है इसमें, तो मैं अब इसमें से मिल्कमेड को एक कटोरी में कर दूँगी, एक बॉल में कर दूँगी। कितना आसान है मिल्कमेड बनाना घर में आप देख सकते हैं। अभी ये हल्का सा गर्म है, इसको अभी बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। ये देखिए कितना क्रीमी मिल्कमेड बना है। अगर आप इसे थिक करना चाहते हैं तो आप इसे और भी ज़्यादा थिक कर सकते हैं, कि अभी ये और ठंडा होकर के गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा। दूध 1/3 के करीब दूध रह गया था तभी मैंने गैस को बंद कर दिया। मिल्कमेड बन करके तैयार है। आप पूरी वीडियो को देख करके बहुत ही आसानी से मिल्कमेड बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया है मिल्कमेड ठंडा होने के बाद। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन। बाय बाय, फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ।